जसप्रीत बुमराह ने गुजरात टाइटन के खिलाफ मुकाबले में 3 विकेट चटकाए थे। जी हां दोस्तों, आप सबको बता दें कि पिछले सीजन चोट के कारण बुमराह नहीं खेल सके थे। उन्होंने गुजरात टाइटन के बल्लेबाज शाह मिलर और साई का विकेट भी लिया है। आइए दोस्तों इस बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मुंबई इंडियन के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने IPL के मैदान पर दमदार वापसी की है। पिछला सीजन चोट के कारण नहीं खेल सके थे वह जसप्रीत बुमराह ने IPL 2024 में पहले ही ओवर में विकेट ले लिया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट चटकाए हैं। जसप्रीत बुमराह ने पिछले सीजन कुछ महीने जबरदस्त फॉर्म में रहे थे और IPL में भी अपने पहले मैच में ही शानदार शुरुआत कर दी है। जसप्रीत बुमराह ने गुजरात टाइटन के खिलाफ मुकाबले में रिद्धिमान साहू को आउट किया था। साहू 15 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद बुमराह ने डेविड मिलर को पवेलियन का रास्ता भी दिखाया था। मिलर ने 11 गेंदों पर 12 रन बनाए थे। उन्होंने साई दुर्शासन को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि साई ने 39 गेंदों पर 45 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। बुमराह ने एक ही ओवर में साई और मिलर दोनों को आउट कर दिया था। जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के दम पर मुंबई इंडियन ने गुजरात टाइटन को IPL के मैच में रविवार के 6 विकेट से 168 रन का स्कोर बनाया है। चोट के कारण एक सत्र बाद IPL में वापसी करने वाले बुमराह ने 14 रन देकर 3 विकेट चटका लिए हैं। गुजरात के लिए साई दुर्शासन ने 39 गेंदों पर 45 रन बनाए थे। दोस्तों आप सबको बता दें कि IPL 2023 में मुंबई इंडियन को जसप्रीत बुमराह की कमी खली थी। बुमराह पिछले सीजन में बैक इंजरी के कारण टूर्नामेंट से बाहर थे। हालांकि वापसी के बाद जसप्रीत बुमराह का जबरदस्त फॉर्म में है। जसप्रीत बुमराह ने 121 मैचों में 148 विकेट ले लिए हैं। इससे अधिक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।